देखिए जो स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर क्या है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया गया है यूपीएससी की तरफ से। तो देखिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या इसका प्रोसेस है, वो देखिए आज इस वीडियो में हम आपको सारे प्रोसेस बताने वाले हैं। देखिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले इस पेज पे आ जाना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको इसी पर क्लिक कर दे। अब देखिए यहाँ पे आपको अपना, तो देखिए यहाँ पे आ जाने के बाद अब सबसे पहले आपको अपने हाई स्कूल की मार्कशीट के हिसाब से आपको यहाँ पे अपना जो भी नाम बनता है आपका वो आपको यहाँ पे डाल देना और उसे सेम यहाँ पे फिर से आपको डाल देना है। और देखिए फुल नेम का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इसे छोड़ देना है, कुछ नहीं डालना है। यहाँ पे जेंडर चूज कर लेना, मेल है फीमेल है, और उसके बाद जेंडर वेरीफाई आपको यहाँ पे कर देना है। उसके बाद ये आपको यहाँ पे इन दोनों बॉक्सों में अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको अपना फादर्स नेम डाल देना है, फादर्स नेम आपको यहाँ पे रिपीट कर देना है। यहाँ पे आपको मदर्स नेम डाल देना है और यहाँ पे आपको मदर्स नेम वेरीफाई कर देना है। उसके बाद ये मैरिड स्टेटस कैसा है, मैरिड है अनमैरिड है, जो भी आप चूज कर लेना। यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर आपको वही डालना है जो आपका चालू होना चाहिए। आपको यहाँ अगर अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो डाल सकते हैं, नहीं से छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी आपको वही डालनी है जो आपकी चालू होना चाहिए, अगर अल्टरनेट ईमेल आईडी है तो उसे भी डाल सकते हैं। अब आपने किस बोर्ड से आपने हाई स्कूल किया है वो आपको यहाँ पे उस उसके बाद ये आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे पूछा जाए। बाई चांस अगर आप अपना जो आईडी पासवर्ड भूल जाते हैं उस कंडीशन में आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लो आपका यहाँ पर लिखा है व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, तो ये आपको क्या है तो आपको ये सिलेक्ट कर लेना, जो भी मैथ हिंदी फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी है आपको यहाँ उसका नाम डाल देना है। उसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन चूज करना है यहाँ पे। वैसे जैसे मान लो यहाँ पे जो भी आपको चूज करना है आपको यहाँ पे, जैसे आपको फेवरेट कलर क्या है तो चूज करके आपको उस कलर का नाम डाल देना और ये कैप्चा कोड है इसमें डाल के आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो देखिए जैसे ही आप सबमिट करेंगे जो भी आपने डिटेल भरी है, देखिए यहाँ की आपकी पर्सनल डिटेल सारी शो हो जाती है। अगर अभी आप इसमें कुछ भी चेंजिंग करना चाहते हैं यहाँ पे अपडेट देखने को मिल जाएगा, अपडेट वाली बटन आपको इस पर क्लिक करके अपडेट कर लेना, नहीं तो आपको सही है तो आपको आई एग्री कर देना। तो देखिए ईमेल आईडी और आपके मोबाइल पर दोनों पे एक पासवर्ड भेजा जाएगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन पासवर्ड। अगर नहीं आ पहुँचा है तो आपको यहाँ से रिसेंड भी कर सकते हैं, और आपको आ गया है तो आपको यहाँ पर डाल के और यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो देखिए आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है, ओटीएस आईडी भी आपकी इशू कर दी गई है। अब यहाँ पर देखिए आपको प्रिंटर का जो प्रिंटर का सिंबल आपको यहाँ पे नीचे दिखेगा, आपको यहाँ से इसे प्रिंट कर लेना है। तो देख जैसे ही आप प्रिंट लेते हैं उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है लॉगिन और वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो आपको क्या या फिर आप होम पेज वाली दोनों में किसी एक पे आपको क्लिक कर देनी है। अब देखिए आपको यहाँ पर लॉगिन करना है, लॉगिन करने के लिए देखिए आपको ईमेल आईडी का भी ऑप्शन मिल जाएगा, मोबाइल नंबर का मिल जाएगा, ओटीआर आईडी का भी मिल जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर से करूँगा, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पर गेट ओटीपी पर क्लिक कर देनी है, तो ओटीपी आपके मोबाइल पर जाएगा वो इसमें इस बॉक्स में आपको फिल कर देना है। तो देखिए जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे तो देखिए आपको पासवर्ड क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कुछ कंडीशंस हैं, जो देखिए आपको यहाँ पे चेकबॉक है जेंडर के लिए आपको पूछ रहा है कि आपकी जेंडर मेल चेंज करना चाहते हैं तो टिक करना है, अगर चेंज नहीं करना चाहते तो आपको अनटिक रहने देना है। अगर इस पर भी आप मिनोरिटी आप चेंज करना चाहते तो टिक करना है इस पर, अगर नहीं चेंज करना है तो जरूर छोड़ देना है। उसके बाद देखिए आप जो पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड की लेंथ देखिए मिनिमम आपकी 8 करेक्टर होना चाहिए, देखिए पासवर्ड अपर लोअर और स्पेशल करेक्टर के बीच में ही होना चाहिए तभी आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड माना जाएगा। तो देखिए दोनों जो आप ऊपर ही पासवर्ड डालें वही आपको नीचे डाल के यहाँ पर सबमिट कर देना है। देखिए जब तक आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग नहीं माना जाए, जब तक यहाँ पे ये सारे जो ग्रीन टिक लगे हुए हैं, जब तक आपके ये टिक कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक आपका पासवर्ड क्रिएट नहीं हो रहा है। जब तक ये टिक लग जाएंगे समझ लो एक पासवर्ड क्रिएट हो चुका है, उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो देखिए जैसे ही सबमिट करेंगे तो देखिए यहाँ पे टर्म आएंगे, तो देखिए आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, आपको इन्हें फॉलो कर लेना पढ़ लेना, यहाँ पे सारी चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे देखिए आपको एक डैशबोर्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो देखिए यूपीएससी जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन पेज है यहाँ पे देखिए आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। जब यूपीएससी कोई वैकेंसीज निकालता है तो आपको इसे लॉगिन करना, और लॉगिन करने के बाद यहाँ पे लिखा है वो लेटेस्ट नोटिफिकेशन, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी अपकमिंग वैकेंसीज होगी वो आपके सामने हो जाएगी आ जाएगी, या फिर जिस वैकेंसी के लिए आपने अप्लाई किया है तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन हिस्ट्री पर जैसे ही क्लिक करेंगे, अगर आपने कोई एप्लीकेशन यहाँ पे अप्लाई किया है किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ पे उसकी डिटेल आ जाती है। अगर आप प्रोफाइल देखना चाहते हैं तो प्रोफाइल भी देख सकते हैं। तो आप इस तरह से वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर वीडियो वॉच करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।